कोई मॉडल नहीं है ये दरौंदा विधानसभा, मॉडल लायक नहीं है। मॉडल लायक तो मुझे लगता है कि पटना जब राजधानी नहीं है तो दरौंदा कैसे हो सकता है। चुनाव आ गया है ना, अभी देखिएगा तरह तरह के लोग आएंगे, बड़ा बड़ा लंबा लंबा कुर्ता पजामा पहन के तरह तरह के। इस दरौंदा विधानसभा की सेवक मैं बनना चाहता हूँ, जनता की सेवक बनना चाहता हूँ। दूर का ढोल सुहावन लगता है, वो लड़ना होगा, जो लड़ेगा आएगा देखेगा, जो भी आएगा मुझसे ही लड़ेगा, मुझसे चुनाव लड़ेगा इस बार। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर लाइफ। जैसे जैसे विधानसभा नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेता और अन्य प्रत्याशी अपने क्षेत्र का दौरा करना शुरू कर दिए हैं। इसी दौरान हम अभी फिर से पहुंचे हैं दरौंदा विधानसभा में, और दरौंदा विधानसभा में हम अभी बात करेंगे इंजीनियर शैलेंद्र यादव से। मैं इनके बारे में आपको कुछ बता दूं कि इन्होंने पिछली बार उपचुनाव भी इस विधानसभा दरौंदा विधानसभा का चुनाव लड़े थे, जो अच्छा खासा वोट भी लाए थे। इससे पहले भी इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था जो निर्दलीय, और इन्होंने कई ऐसे जो प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़े थे उनको पीछा कर दिया था। हालांकि ये इन्होंने चुनाव को जीत नहीं पाए थे, लेकिन फिर से इन्होंने इस मैदान में दरौंदा विधानसभा मैदान में उतरे हैं और जनता के बीच लगातार दौरे कर रहे हैं। हम इनसे बात करने की ये भी कोशिश करेंगे कि इस बार इन्होंने किस मुद्दे के साथ जाएंगे और क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको न्यूज फॉर लाइव में स्वागत है सर। न्यूज फॉर लाइन के स्वागत के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि आपने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उसके बाद आप राजद ज्वाइन कर लिए, फिर उपचुनाव भी आप यहाँ से दावेदारी किए थे। क्या लग रहा है इस बार आप निर्दलीय चुनाव लड़िएगा या फिर आपको राजद टिकट देगी? देखिए, मैं चुनाव लड़ा, राजद में भी था, ये सत्य बात कहे आपने। उपचुनाव हुआ उस समय मैं टिकट के लिए प्रयासरत था, लेकिन पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। मैं चुनाव लड़ा, यहाँ से उपचुनाव लड़ा, और इस बार मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे पार्टी टिकट दे, इसलिए कि वोट भी मैं लाया हूँ। जो प्रत्याशी थे उसके लगभग बराबर हमको वोट आया है RJD के, तो हमको तो विचार करना चाहिए, पार्टी को विचार करना चाहिए कि हमको लड़ाए और सीट जीतना है तो यहाँ से लड़ाए हमको पार्टी। कितना उम्मीद है आपको कि राजद आपको इस बार विधानसभा से चुनाव लड़ाएगी? हमको तो 100% उम्मीद है कि विचार करेगी पार्टी मुझ पर। और भी लगातार प्रत्याशी राजद के ही, राजद से ही दावेदारी कर रहे हैं, वो भी जनता के बीच जा रहे हैं, वो भी ये दावेदारी कर रहे हैं कि मुझे ही राजद टिकट देगी, क्या कहते हैं इसमें? देखिए, हर एक कार्यकर्ता का इच्छा होता है, दावेदारी करनी चाहिए, ये सही बात है, अच्छी चीज़ है। दावेदारी हर एक कार्यकर्ता का फर्ज बनता है जो पार्टी के लिए कार्य करता है, उसकी हक बनती है कि वो दावेदारी करे। यही तो एक पर्व आता है जिसमें कार्यकर्ताओं ने दावेदारी करता है, 5 साल खटता है उसके बाद दावेदारी करता है, तो ये कोई गलत नहीं कर रहा है। कोई दावेदारी कर रहा है तो कोई गलत नहीं है। पार्टी को डिसाइड करना है कि किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है। पार्टी देखती है कि विनिंग कैंडिडेट कौन है, जीत सकता है कौन, दावेदारी करता है, कोई तो गलत नहीं कर रहा है, सारे लोग दावेदारी करें, जिसको मिलना होगा मिलेगा टिकट। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना है, 122 का जादुई आंकड़ा पार करना है, तो सोच समझ के ही ना टिकट देंगे कि जो हमारा सीट निकल जाए उसी को टिकट देंगे। ठीक है, अगर राजद आपको यहाँ से टिकट नहीं देती है वाय दबे, तो क्या शैलेंद्र यादव दरौंदा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव मैं उपचुनाव लड़ चुका हूँ, और मेन चुनाव अगर मैं छोड़ देता हूँ, नहीं लड़ता हूँ, तो जनता मुझे रहने नहीं देगी, गाली देगी कि रण छोड़ कर भागने वाला है, तो फिर किसी पर विश्वास जनता नहीं करेगी। जो 18,000-19,000 लोग जो मुझे वोट दिया है, वो किसी विश्वास के साथ ही मुझ पर विश्वास किया है, वोट दिया है, तो मैं तो जनता का राय लूँगा। जनता कहेगी कि नहीं चुनाव लड़ना है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अवश्य लड़ूंगा। चलिए, हम बात करते हैं अभी विकास का, क्या मुद्दा होगा आप जनता के बीच, किस मुद्दे को लेकर आप जनता से वोट मांगने इस बार जाइए? देखिए,
विकास विकास सुनते सुनते तो कान पक गया है इस दरौंदा विधानसभा में। विकास करना, विकास एक शब्द तीन शब्द का एक है, विकास लिखा जाता है बहुत जल्दी से लोग बोल देते हैं। विकास मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, इसके अंतर्गत सबसे ज्वलनशील मुद्दा है इस दरौंदा विधानसभा की तो स्वास्थ्य की यहाँ पर रहती है। स्वास्थ्य सुविधा यहाँ नहीं है, कोई भी प्रखंड में चले जाइए, यहाँ पर जो भी हॉस्पिटल बना है प्रखंड में जाइए तो यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। आप बुखार का दवा खोजिए नहीं मिलेगा, बीमारी हो जाए तो नहीं, कोई कोई ना डॉक्टर मिलेगा ना कुछ मिलेगा। कोई है तो कोई सिवान रहता है, कोई छपरा रहता है, कोई पटना रहता है, कहाँ रहता है कुछ पता नहीं। दो ऑन ड्यूटी है, रोस्टर में है कि 12 आदमी है, यहाँ ऑन ड्यूटी जाइएगा तो दो आदमी मिलेगा, दो आदमी ही चला रहा है लोक में हॉस्पिटल को। ये क्या है भाई, अराजक स्थिति है ना ये। इस पर सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए इन लोगों पर। सरकार इतना जनता के गाड़ी पैसे को जो करके जनता के लिए जो बनाया है, वहाँ जो ये अफसर डॉक्टर जो हैं इस तरह की सुविधा नहीं दे रहे, नहीं कर रही है, तो ये सरकार की कमी है ना, सरकार इसकी जिम्मेवार है, उसको करना चाहिए। ये प्राथमिकता मेरी रहेगी कि पहले स्वास्थ्य को सुधारा जाए, उसके बाद आइए शिक्षा पर। शिक्षा भी प्राथमिकता मेरी है, स्वास्थ्य और शिक्षा दो चीज़ अगर ठीक कर दीजिए किसी भी राज्य में तो विकास तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब आप स्वस्थ रहिएगा, शिक्षित रहिएगा तो खुद अपना विकास कर लीजिएगा। ये दो मेरी प्रमुख मुख्य विकास का मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में, मैं इसी के साथ जाऊंगा जनता के पास। ठीक है, अभी जिस तरह से विकास विकास मॉडल विकास भी कहा जा रहा है कि दरौंदा बहुत विकास हुआ है, पूरे सिवान में मॉडल हो गया है ये दरौंदा विधानसभा, क्या लग रहा है आपको कितना ये मॉडल है? कोई मॉडल नहीं है ये दरौंदा विधानसभा, मॉडल लायक नहीं है। मॉडल लायक तो मुझे लगता है कि पटना जब राजधानी नहीं है तो दरौंदा कैसे हो सकता है। बिहार की राजधानी पटना है, वहाँ देखिए तो कचरा जमा रहता है चारों बगल, लोग रोड पर लोग एथी करता है, शौचालय करता है। जब वहाँ नहीं है ये मॉडल तो हमारा ये घर है यहाँ दरौंदा विधानसभा, मैं इसको कैसे कह सकता हूँ कि मॉडल है। इस मॉडल का सारा क्राइटेरिया होता है कि क्या क्या होना चाहिए, कह देने से अगर दरौंदा विधानसभा दरौंदा जगह पर लिख दिया जाए कि ये मॉडल है तो मॉडल, उससे लिख देने से नहीं होता है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल ब्लॉक, थाना में चले जाइए तो थाना पर जाने के लिए रोड नहीं है। आप दरौंदा में जाइए देखिए, मैं एक दिन गया था अपना आर्म्स वेरिफिकेशन कराने के लिए, वहाँ जाइए दरौंदा मेन एनएच से चलिए, जब थाना पर जाने के लिए ब्लॉक होते हुए उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, रोड की इतनी जर्जर स्थिति है कि पैदल आप चलिएगा तो गिर जाइएगा थाना तक जाने में, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, विधायक हो एमपी हो किसी का ध्यान नहीं। जबकि एक फंड लिख देता हो अगर विधायक वहाँ तो उसका बन जाता, 200 मीटर 300 मीटर होगा, नहीं किया। इसी तरह की बहुत सारी रोड है, आपके लहेजी में चले जाइए, नरकुल भगत का टोला से जो इस हाई स्कूल होते हुए आती है लहेजी बाजार, उसका स्थिति जाकर के देख लीजिए, अकटाहा बगल में है वहाँ देख लीजिए। इस तरह का हर एक पंचायत में जब आप लोग जाएंगे तो देखेंगे रोड का स्थिति क्या है। आप ये अथी चलिए सिसवन प्रखंड में चलिए, वहाँ देखिए नवलपुर वाली रोड जो है, भीखपुर होते हुए जो आती है सनबरिसा नवलपुर होते हुए जो रोड आती है उसका स्थिति देखिए। वो तो चुनाव का मुद्दा ही बना है, जो जाता है वही कहता है कि हम इसको जो है एकदम बनवाइए देंगे, झूठा आश्वासन, खाली झूठा आश्वासन। 10 साल से हम सुन रहे हैं वहाँ की, जब ये चुनाव दरौंदा विधानसभा बना है तब से वो मुद्दा हो गया है, जो जाता है कहता है कि हम बना देंगे। तो भैया बना देंगे तो ये दरौंदा विधानसभा न विधायक से न एमपी से तो खाली नहीं रहा है, कभी हम हो चाहे कोई हो, कोई ना कोई तो विधायक है, कोई ना कोई तो एमपी है ना इसमें, कहे नहीं वो रोड बना। आखिर कारण क्या है कि उस रोड को नहीं बनाया जाता है, वहाँ पर बहिष्कार भी एक बार लोग किया था संघर्ष का लोग, लेकिन उसको रोड को नहीं बनाया जाता है। राजनीतिक मुद्दा रखा जाता है कि चुनाव में आएगा तो कहा जाएगा कि हम बनवा देंगे, तो इस बार जनता जाग चुकी है
और इस बार सबक सिखाएगी इन लोगों को। देखिए आप इंजीनियर भी हैं, क्या लग रहा है जो सरकार की योजनाएं हैं केवल पेपर पे ही रह जा रही है, लोगों को झूठा आश्वासन दिया जाता है कि यहाँ विकास हुआ है? देखिए योजना बनती है, योजना बनने में कमी नहीं है, लेकिन योजना कब बनाना चाहिए और किस समय उसको लागू करना चाहिए यही तरीका नहीं मालूम है लोगों को। अब आप बरसात के समय में टेंडर करके पास कर दीजिए तो रोड नहीं ना बनेगा, उसके लिए है कि 2 से 3 महीना तक वर्क बंद रहता है बारिश के समय में जो होता है, लेकिन योजना बनते बनते लागू होते होते ये आ जाता है जुलाई अगस्त आ जाता है, तो काम कहाँ से होगा आपका, पेंडिंग पड़ा रहता है। अगर जनप्रतिनिधि सही रहे तत्पर रहे तो वो लग करके अपने क्षेत्र का लिस्ट दे, लिस्ट देना चाहिए, हम हो चाहे कोई हो, जनप्रतिनिधि वो लिस्ट दे, इनिशियली में लिस्ट दे कि हमारे क्षेत्र में ये इस पंचायत में ये गांव में ये रोड की स्थिति इस तरह का है, यहाँ ये रिक्वायरमेंट है, उसको जा करके DPR बनवाए, जो बनवा करके वहाँ ऐड करवाए और तब करवाए, तो देखिए काम कैसे नहीं होगा, होगा कैसे नहीं होगा काम, लेकिन जनप्रतिनिधि उस तरह का होना चाहिए, उस लायक होना चाहिए। यहाँ तो है कि विधायक बन जाना है बस, हो गया पोस्ट मिल गया, जनता जाए भाड़ में, हम चले अपना ऐश करने के लिए। ठीक है, एक और शिकायत आती है जब हम लोग जनता के बीच जाते हैं उनसे बातें करते हैं तो उनका साफ आरोप होता है कि विधायक केवल चुनाव के समय आते हैं वोट मांगने आते हैं, लेकिन वही जब वो विधानसभा चुनाव जीत कर चले जाते हैं तो फिर दोबारा उनका हाल चल लेने जाते हैं, विकास तो दूर की बात है। ये जनता 100% सही बात कह रही है, हम भी जाते हैं, हम भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, रेगुलर घूमते हैं, मैं काउंटिंग हुआ उसके बाद से, जिस दिन रिजल्ट आया उसके बाद से भी मैं जनसंपर्क में हूँ, जनता के बीच में, मुझे भी ये सुनने में आता है। तो ये लोग केवल वोट आएगा तब चलेगा लोग, अभी चुनाव आ गया है ना, अभी देखिएगा तरह तरह के लोग आएंगे, बड़ा बड़ा लंबा लंबा कुर्ता पजामा पहन के तरह तरह के, इस हाँ ये क्या है भाई, तो ये फलाने हैं, ये चिलाने हैं कह करके, लेकिन जब जनता गरीब जनता पर जब विपत्ति आती है दुख के घड़ी में रहता है तो कोई नहीं दिखाई देता है, इस क्षेत्र में कोई नहीं दिखाई देता है। तो जनता इस बार सबक सिखाएगी इन लोगों को, ऐसे विधायक जो बनने के लिए उतावले हैं उनको इस बार सबक सिखाएगी जनता इस दरौंदा विधानसभा की। क्या शैलेंद्र यादव को यहाँ से जनता अगर विधायक बनाकर विधानसभा भेजती है तो क्या शैलेंद्र यादव भी इसी तरह का काम करेंगे या फिर जनता के बीच डोर टू डोर जाएंगे? देखिए मैं विधायक बनूं चाहे नहीं बनूं, अगर जनता मुझे अगर थोड़ा सा भी अथी रहता तो इतना विश्वास मुझ पर करके इतना 18-19 हज़ार वोट नहीं देती, मैं उसी रफ्तार से घूम रहा हूं, जो दिया उसको भी धन्यवाद, जो नहीं दिया उसको भी धन्यवाद। मुझे कतई आप नहीं देखे होंगे कि अपशब्द किसी पर बोलते हुए, हमने हाथ जोड़ा है जनता को, जनता ने हाथ जोड़ने का मुझे वोट दिया है, विश्वास किया है मुझ पर। इस बार मान लीजिए कि 18 हज़ार आप हमको वोट दिया, 19 हज़ार इस बार विश्वास करेगी जनता, मुझे सेवा करने का मौका देगी, और मैं 100% श्योर करता हूँ इस दरौंदा विधानसभा की जनता को कि ये जो मिथक है उसको मैं तोड़ के रख दूंगा इस दरौंदा विधानसभा में, कि विधायक वाला जो आप लोगों के बीच में जो एथी फैला हुआ है कि सारे लोग उसी तरह का है, वो कतई नहीं होगा मुझसे। मुझे आज भी वैसा ही देख रहे हैं, कल भी वैसा ही देखिएगा, घूमते हुए आप नजर आए, हमको मिलिएगा, आप कहीं भी विधायक भी बन जाऊंगा तो इसी तरह से नजर आए। हम यहाँ कोई बिजनेस करने के लिए नहीं आए हैं, मैं सर्विस से रिजाइन करके आया हूँ, तो यहाँ विधायकी को बिजनेस बनाने के लिए नहीं आया हूँ, सेवा भावना की से आया हूँ और सेवा करूँगा, चाहे जीतूँ चाहे हारूँ, जनता अति नहीं दे, मैं मर जाऊँगा मिट जाऊँगा लेकिन दरौंदा विधानसभा के जनता को कभी नहीं छोड़ूंगा। एक महत्वपूर्ण सवाल, जदयू से अजय सिंह भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, फिर इसके बाद भी वो मैदान में हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीतकर ब्यास सिंह गए थे जो अभी भाजपा में हैं, तो ये दोनों के बीच आप कहाँ पे हैं, अपने आप को कहाँ कहते हैं? देखिए हम, आपने सवाल पूछा कि दोनों के बीच कहाँ है, तो हम दोनों के बीच नहीं हैं, हम जनता के बीच में हैं, मैं जो हूँ जनता के बीच में हूँ। फरियाना उन दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं का है फर्ज है कि ये जदयू का सीट रहेगा कि भाजपा का रहेगा, मैं तो जनता के बीच में हूँ तो जनता की बात आपसे कह रहा हूँ, उन नेताओं का बात हम कैसे कह सकते हैं, इसलिए कि उसमें बोर्ड में हम हैं न उसमें बैठते हैं, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा किसके गठबंधन में जाएगा नहीं जाएगा सीट
ये उनका बात हम कैसे बता सकते हैं। मैं दोनों के बीच में नहीं हूँ, मैं जनता के बीच में हूँ। चलिए आखिरी सवाल सर आपसे ये होगा कि अगर आप विधायक बन जाते हैं विधानसभा दुरादा विधानसभा को किस तरह का विकास का रूप देंगे आप, पहला प्राथमिकता आपका क्या होगा? देखिए पहले तो बोले कि विधायक बन जाना ये संसदीय प्रक्रिया है कि विधायक बनना, मैं सेवक बनना हूँ, मैं सेवक बनना चाहता हूँ। विधायक शब्द बन जाने पर थोड़ा बोल्ड होकर लोग चलने लगता है कि मैं विधायक हूँ सामने वाला कुछ नहीं, तो मैं सेवक इस दरामदा विधानसभा की सेवक मैं बनना चाहता हूँ, जनता की सेवक बनना चाहता हूँ। और जिस दिन मुझे सेवा करने की जनता ने मौका दिया इस बार के चुनाव में, तो मेरी प्राथमिकता विकास का जो आपने बोले, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बता दिया हूँ कि मेरी प्राथमिकता रहेगी स्वास्थ्य और शिक्षा, दो चीज़ को तो हमको दुरुस्त करना है यार, चाहे जितना समय लगे। हम ये नहीं कहता हूँ कि जितने हम दो दिन में इसको ठीक कर देंगे, जितने के बाद 5 साल का टेन्योर मिलता है, लेकिन आप फिर हमसे इंटरव्यू लेने आइएगा, मैं खुद आपको बुलाऊंगा जब इस तरह का कुछ काम करूंगा, तो आप स्वयं देखिएगा कि मैं इसके लिए क्या करता हूं। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि कौन काम कहां से होता है, हम खुद पता है मुझे कि कौन काम किधर से होगा और कहां से होगा, ये मुझे एथी है, जानकारी है इसकी, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। ठीक है, जनता एक सवाल जानने की कोशिश कर रही है आपसे कि अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, यहाँ से जीत जाते हैं, जनता आपको विधायक बना देती है, आपकी आपको सेवक अपना बना देती है, तो क्या शैलेंद्र यादव फिर से राजद में जाएंगे? देखिए जनता मालिक होती है और जनता मुझको अगर निर्दलीय जिताती है यहाँ से, तो मैं जनता को बिटोर करके पूछ लूँगा, जिसका मत है मालिक है, मालिक अगर अपने नौकर को आदेश देगा कि आप इसमें जाइए, तो मैं वही करूँगा जो जनता कहेगी। आप जनता से दुरादा विधानसभा क्षेत्र के तमाम को सेवक बोलते हैं कि हम उनका सेवक हैं, उनसे क्या निवेदन करेंगे आप? मैं हाथ जोड़ करके इस दुरादा विधानसभा के जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ कि ये जो चुनाव आ रहा है, आप लोगों ने बहुत बार देखा दूसरे को, एक बार मुझ पर विश्वास करके मुझे जिताइए, अपना सेवक बनाइए और मैं आपके विश्वासों को खरा उतरूंगा। और बाहरी को कभी भी आप लोग वोट न दें, जो भी बाहर से जो आ रहा है, भ्रम टूटे कि जिसको मन करता है वो कहीं से आकर के दरौंदा में ही लड़ता है, जिसको अगर इतना ही गट्स है तो अपने विधानसभा में जा करके जहां उसका कार्य क्षेत्र है, जन्मस्थल है, जिस विधानसभा में वो पड़ता है, वहां से चुनाव लड़ करके देखे कि उसकी क्या ताकत है उस विधानसभा में, क्यों इधर से उधर कूदता है। जब आप हम काम किए हैं तो हम क्यों जाएंगे दूसरे विधानसभा में, हमारा ये विधानसभा में हम काम किए हैं, तो हमको यहीं से लड़ना चाहिए, प्राथमिकता तो यही ना होनी चाहिए पहले मेरी। अगर हमको कह दे लो कि जाइए आप दूसरे जैसे लड़िए, हम यहाँ मान लीजिए कि 5 साल काम किए हैं, हमारा घर यहाँ पड़ता है, हम दूसरे जगह क्यों जाएंगे भाई, तो उसी विधानसभा से लड़े लोग, इधर उधर भटकने क्या जरूरत, डोर दूर का ढोल सुहावन लगता है, कमियां तो उस क्षेत्र में ना, घर में ना कमियां पता चलती है, बाहर जाइएगा तो सब लोग अच्छा अच्छा कहेगा कि सब लोग अच्छे हैं, जब वहां रहिएगा जिसमें कार्य किए आप, जहाँ जिसमें गांव पड़ता है आपका विधानसभा, उसमें आप जाकर के देखिए ना कि क्या स्थिति है आपकी। अब जो लड़ना होगा जो लड़ेगा आएगा देखेगा, जो भी आएगा मुझसे ही लड़ेगा, मुझसे चुनाव लड़ेगा इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो ये हमारे साथ थे इंजीनियर शैलेंद्र यादव, जो लगातार ये तीसरा बार इनका इस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और ये साफ तौर पे जनता से अपील किया कि इस बार बाहरी भगाओ और इंजीनियर शैलेंद्र यादव को जिताओ, तो इनका ये नारा रहेगा और इसी नारे के सहारे ये जनता के बीच जाएंगे और इनका प्राथमिकता होगा विकास स्वास्थ्य, तो ये प्राथमिकता लेकर ये इन्होंने जनता के बीच जाएंगे और इस बार इन्होंने साफ तौर पर यह साफ कर दिया कि इस बार यहाँ के विधायक शैलेंद्र यादव बनेंगे और जनता इन्हें ही बनाएगी। अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि इस बार दुरादा विधानसभा का सीट किसके कोटे में जाता है और कौन यहाँ के विधायक बनता है।